वो देखे स्काउट सामने खड़ा हुआ है क्योंकि अब ना इसको फीडर चाहिए। अभी मैं इसे आवाज दूंगा, स्काउट इधर आ जाओ, इधर 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 इस साइड पे आ जाओ। आएगा आएगा, वो देखिए आ रहा है इधर, शाबाश। एक फीडर इसने पूरा पी लिया, अब दूसरा जो है ना तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये लो, अब ये रोज़ाना तकरीबन डेढ़ या दो फीडर पी लेता है। लेकिन यार ये डरता बहुत है, बाहर से कोई भी गुजरेगा ना ये एकदम से भाग जाता है, फिर मेरी आवाज़ सुनता है फिर वापस आ जाता है। फीमेल उस तरफ सामने को बैठी हुई है, मेल वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। और ये वाला जो दरख्त था ना ये सारा मैंने काट के, मतलब नीचे नीचे से मैंने काटा है क्योंकि यार ये गुजरते हुए ना हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो इसकी सारी टहनियाँ मैंने नीचे फेंकी हैं। अब हमारे स्काउट को देखें, मुझे देख के खड़ा हो गया। और ये देखें भाई, इसने काफ़ी ज़्यादा पत्ते खाए हैं, ये देखें कितने ज़्यादा पत्ते खाए हुए हैं, ये इसी ने खाए हैं। और माशाल्लाह इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से, देखें मुझे कैसे देख के भाग गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई कोई भी एक से उठा दो, खाएगी कि नहीं खाएगी अब ये देखना पड़ेगा। तो ये टहनी मैं रोज को देने वाला हूँ, रोज अपना चारा फिलहाल खा रही है, पता नहीं ये खाएगी नहीं खाएगी, खा लो। ये भी साथ साथ खाएगी यार, देखे अपना चारा भी खा रही है और साथ में ये भी खाएगी। भाई इसको ना हम फिलहाल इधर बाहर रख देते हैं, पहले वो अपना चारा खा ले फिर बाद में ये खा लेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों बाजार, वहां से ना अपने सारे परिंदों का दाना लेने के लिए। और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ इसे भी साथ ही ले जाऊँ। भाई स्काउट को कहाँ लेके जा रहे हो? ये साथ जाएगा बाजार। अच्छा, ये और इब्राहिम दोनों जाएंगे। वो देखो इसको बाल, भाई निकालना पड़ेगा इसको, ये नहीं जा सकता, ये बहुत तंग करने वाले हमें। जो तुम इधर ही रुको, मुझे लगा मैं इसे ले जाऊंगा लेकिन ये देखो ना पूरी गाड़ी फुल हो गई यार बालों से। नहीं 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 नहीं, तुम इसका ख्याल रखना, मैं बस जल्दी से जाता हूँ, मेरे साथ इब्राहिम है और हम ना दाना लेके वापस आते हैं। स्काउट को देखें दोस्तों कितनी तेजी से घास खा रहा है। स्काउट आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। भाई स्काउट को हम नहीं साथ लेके जा सकते, स्काउट को मैंने उठाया है, मेरे पूरे जिस्म पे बाल ही बाल हो गए हैं, सारे कपड़े भर गए हैं, गाड़ी भर गई है। तो इब्राहिम सबसे पहले ना मुझे फिश वाली शॉप पे ले आया है कि यहाँ पर फिश लेनी है, लेकिन है ही नहीं। देखो ये सारे खाली पड़े हुए हैं, ये भी खाली है, वो भी, ये भी, ये सारे खाली पड़े हुए हैं, देख लिया भाई इसने। मैं छुपा रहा था इससे क्योंकि ये घर जाकर मार देते, ये बहुत छोटी छोटी हैं, ये तो भाई बच्चे हैं, ये तो बचेंगे ही नहीं, आए लेके जाएंगे और शाम तक ना इब्राहिम मार देगा। हमें चाहिए थी बड़ी वाली एक्वेरियम के अंदर छोटे, लेकिन यहाँ पर अभी है नहीं, मुझे लगता है आज वो भाई अभी तक ना आई नहीं है तो वो लेने गए हुए हैं। शुक्र है यार इसके ऊपर ना राजी हो गया इब्राहिम, ये ले देते हैं इब्राहिम को, ये लो एक काफ़ी है। लेकिन ऐसे नहीं, हम ना बॉक्स के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ से कुछ और भी ले जाते हैं, और ये ब्लैक एक ही है मेरे ख्याल में, ये लो एक ब्लैक और एक वाइट, दो ले लो यार। तो यहाँ पर फीमेल आ चुकी हैं और वो भाई बोल रहे हैं कि आप अपनी पसंद की ना जो भी पसंद है फीमेल निकाल लें। मुझे तो याद ही था, इब्राहिम ने याद दिला दिया कि बाबा यहाँ से फीमेल भी लेनी है। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ से कोई अच्छी सी फीमेल निकालते हैं भाई। चलो इब्राहिम इधर आओ, पसंद करो जो भी आपको पसंद है ना, आप इशारा करो मैं वो निकाल लेता हूँ। इसे काटती है भाई, फिर हम खुद यहाँ से ना कोई अच्छी सी फीमेल निकालते हैं। लेकिन यार ये तो सारे उधर कॉर्नर में घुस गए हैं। मैं वो भाई को बुलाता हूँ, उनको बोलता हूँ निकाल के दें तो तीन फीमेल, फिर हम एक कोई पसंद कर लेंगे। किधर, ओए इधर आ गई है, ये तो मुझे सारे यार मजनू ही लग रहे हैं, सारे मेल ही हैं, ये फीमेल है ये ओए वो भी भाग गई। चलो मैं उधर देखता हूँ, चलो मैं उधर देख रहा हूँ, अभी आई हैं, आई हैं, अभी आने देते हैं जी। चलो उनको अंदर जाओ ना, तुम अंदर से पकड़ के ले आओ, कुछ नहीं कहती, जो अंदर से पकड़ के ले आओ। यार मैंने खुद ही एक फीमेल निकाल ली है, पता नहीं मेल है फीमेल है लेकिन व्हाइट कलर है ना, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये इस तरह की एक फीमेल हमारे पास भी है। इब्राहिम ये ठीक है, अच्छी वाली है, ये अच्छी वाली है, इब्राहिम को पसंद आ गई है तो यही ले जाते हैं भाई, मेल है फीमेल है जो भी है, अब बाबा यही ठीक है। अभी हम यहाँ से एक लुटिनो पसनाटा का पेयर ले रहे हैं, ये रही फीमेल और मेल एहसन भाई निकाल रहे हैं। भाई ये वाला पेयर मैंने अपने घर नहीं लेके जाना, बल्कि ये मैंने पप्पो के बेटे को ना गिफ्ट करना है, उसने मुझे बोला हुआ था कि मुझे चाहिए लुटिनो पसनाटा। अब मैं अपनी कॉलोनी से निकाल कर दे नहीं सकता था क्योंकि सीज़न आया हुआ है ना, तो ऐसे पता नहीं चलता पेयर किसका किसके साथ लगा है, तो पेयर ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से एक ले जाता हूँ और उसको ना गिफ्ट कर देता हूँ। ले लो जी, आ जाओ। भाई लवबर्ड भी मैंने उठा ली है और ये देखें मेल कितने मज़े से यहाँ पर बैठा हुआ है। चूज़े इब्राहिम के पास है और ये खाली जाली मेरे पास है। अभी इब्राहिम आपको बताएगा हम क्या लेने वाले हैं। इब्राहिम क्या लेना है? केकड़ा। यार लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो शिवा के पास इसने केकड़ा देख लिया था, अब जब से इसने देखा है ना यहाँ पर केकड़ा तो ये बोली जा रहा है मुझे भी केकड़ा चाहिए। तो ये खाली जाली हमने इसलिए लिया कि इसके अंदर हम केकड़ा लेके जाएंगे। इधर तो आओ, करीब आओ, इधर आओ, देखो केकड़ा किधर है। ये ओए होए, केकड़ा की तो टांगे उतर गई है साथ। ये लो, अच्छा रुको हम साबर केकड़ा निकालते हैं जिसकी टांगे भी साथ हैं। चापर में डालो बाबा।
ये भाई केकड़ा आ गया इब्राहिम का, ये लो इब्राहिम इधर आओ। अच्छा ये लो ना, शापर में डाल के देते हैं इब्राहिम को। इब्राहिम का केकड़ा भी आ गया जी, ये लो भाई आपका केकड़ा आ गया, यहाँ से पकड़ो। नहीं आया चौधरी, इब्राहिम की सारी शॉपिंग कम्प्लीट होगी। अच्छा है ना, और कुछ चाहिए? हाँ तो देख लो यहाँ से कुछ और चाहिए तो। क्या चाहिए? हाँ बस इसको और कुछ नहीं चाहिए। इसने केकड़ा भी ले लिया है, इसने अपने चूजे भी ले लिए हैं, डक भी ले लिए, हमने पैरेट भी ले लिए। आज हमारी ना सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। वही काट लेगा, ये सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। भाई मुझे एक चीज़ भूल गई है, कैट फिश का पूछना था कि कैट फिश कब तक आएगी। तो भाई से भी पूछ देता हूँ, भाई कैट फिश कब तक आ जाएगी? कैट फिश इंशाल्लाह जी कल आएगी। कल आ जाएगी, आपको मिलेगी। भाई कह रहे हैं कि कल आप ना आके ले जाना, कल मैं अगर खुद नहीं भी आऊंगा मैं किसी को भेज दूंगा। मैं भेजूंगा, ठीक है, आपके घर पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो कल तक ना हमारी कैट फिश भी इंशाल्लाह आ जाएगी। कुछ दोस्त कह रहे थे भाई कैट फिश इस दफा नहीं लाई, तो भाई एक्वेरियम के अंदर इस दफा ना हम कैट फिश ही रखेंगे। ले जी हमारा दाना भी आ चुका है, अब हमारी टेंशन खत्म। दाना खत्म हो जाता है ना फिर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि फिर हमारे परिंदे ऐसे बेचारे भूखे रह जाते हैं। सिर्फ एक इब्राहिम के केकड़े की वजह से ना भाई इतनी ज्यादा गाड़ी के अंदर बू हो गई है। अब ये कह रहा है मुझे पीछे रहना भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, आगे आने का बोल रहा है। अब ये अपने केकड़े के पास रहेगा घर जाने तक, अब आप आगे नहीं आ सकते। तो खेलो ना फिर उधर केकड़े के पास ही खेलो ना। कभी कहता डर लगता है, कभी कहता है मैंने केकड़े के साथ खेलना है। अभी खेलो केकड़े के साथ, वो आपका दोस्त है। ये रहा दोस्तों हमारा सामान, दाना इस तरफ पड़ा हुआ है, उसको हम बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं कार्टन भी लेकर आया हूँ, इन कार्टनों के अंदर हम इन चीज़ों को रख देंगे, क्योंकि अभी तक जहन नहीं आया ना, तो जहन को हमने कार्टन के अंदर ये चीज़ें डाल के देनी है। सबसे मज़े की चीज़ तो ये है भाई, ये जो इब्राहिम ने केकड़ा लिया है। सामने कवा आ गया, मैं अपने चूजे सारी चीज़ें ना यहाँ पर रख गया था बॉक्स के अंदर, चील को बिठा के गया था कवों को भगा दे, लेकिन ये चील किसी काम की नहीं है। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने रखा है ये केकड़ा, ये रहे चूजे और ये हमारी डक, मैंने इसको वैसे ही रखता हूँ। अभी तक जहन इस साइड पे आया नहीं है, तो मैं खुद ही जाता हूँ उसको फार्म हाउस से बुला के लाता हूँ, लेकिन इनकी हिफाजत करके मैं जल्दी से अंदर से इब्राहिम को ले आता हूँ। चलो भागो तुम यहाँ से, आप इधर ही बैठे रहना, वो देखो सामने कवे देख रहे हैं, अगर वो आगे ना आपके चूजे उठा के ले जाएंगे। मैं जल्दी से जहन को बुला के लाता हूँ, इधर से हिलना नहीं है। मैं जल्दी से जहन को बुला के लाता हूँ। जहन किधर हो? इधर हो, भाग के हो, जल्दी से जल्दी से, तुम्हारे लिए बड़ी मजे की चीजें लाए हैं, जल्दी से आओ, कवे हमला कर देंगे। हाँ वो कवे ऊपर आ तो रहे हैं, कहाँ नहीं लेके गए, कि उठा के तो नहीं ले गए। देख लो, हाँ अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी चीज़ें लाया हूँ। एक मिनट आराम से, इधर बैठो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आराम से आराम से। सबसे पहले हम तुम्हें दिखाएंगे भाई, उधर से नहीं देखो ना, इस बॉक्स को बाद में, ये एंड में, ठीक है, इस बॉक्स को हम इधर छुपा देते हैं। चलो आँखें बंद करो, ये देखो ये क्या है, ठीक हो गया। चलो भाई बस अब इस बॉक्स में दिखाओ क्या है, बताओ इस बॉक्स में क्या है, बड़े वाले बॉक्स में क्या है, उसके अंदर मुझे क्या पता, बताओ ना तुम गैस करो, देख के नहीं बताना, ऐसे ही बताओ। आवाज नहीं आएगी इसमें से, वो बहुत सुकून के साथ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। हाँ मेल लेके आए, हाँ डब का मेल नहीं लेके आए, नहीं डब नहीं है। चलो यार ये भी इसको बता देते हैं, ये इसके पांव बांधे हुए हैं, इसको उधर लेके जाके छोड़ते हैं, ये भाग जाएगा। अब असली चीज है ये भाई, आंखें बंद करो और इसको खुद ना ऐसे पकड़ के देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। आंखें बंद करो, हाँ पकड़ो। ये पानी की चीज है, चेक करो जरा। चलो ये किसके लिए लेके आए, ये जिंदा है काटेगा। ये मरा हुआ है यार, ये इब्राहिम ने लिया था, इसकी तो आंखें भी बेचारे की खराब हो गई हैं, ये देखें इसकी आंखों को क्या हो गया, बू भी आ रही है, सुनो जरा। ये हम लेके आए थे, हाँ वो अल्फा के लिए लाए थे, लेकिन यार इब्राहिम ने देख लिया तो ऐसे ही। तो खैर सारी चीजें आ चुकी हैं हमारी, अब हम ना इनकी जगह पर इनको जाके छोड़ते हैं। अभी जो आज हो ना छोड़ते हैं इनको, इनको हम पता कहाँ रखेंगे, कहाँ तुम बताओ किधर रखना चाहिए इनको, उधर रख दो। हाँ जी डक्स के साथ, हाँ। उन बच्चों के साथ इनको छोड़ेंगे, ये जगह इनके लिए अच्छी है, और अपनी जो डक है उसको वहाँ पर छोड़ेंगे, और केकड़े को हम फेंक देंगे हमारे किसी काम का ही। मैं भी छोड़ता हूँ, चलो वहाँ पर छोड़ दो। करे दो बच्चे हैं तो चार बच्चे और हो गए हैं, छः हो गए हैं, बस इधर ऐसे ऐसे। ओ यार कहाँ जाओगे, ये लो इनको ऐसी भूख लगी है, जैन के लिए दाना भी लाना पड़ेगा। ठीक है मैं ले आता, चलो अभी दाना लाते हैं, फेंक दिया। ओए लो जी पानी के अंदर इसने फेंक दी है, ना उसके हाथ खोले हैं ना पाँव खोले हैं, निकाल लो भाई मुझे दे दो इसको, ना फार्म हाउस में ले जाते हैं, फार्म हाउस के पूल में जाके छोड़ देंगे, ऐसे तो यहाँ पर इसे कवे खा जाएंगे। भाई ले आया हूँ। आगे आगे दोनों हो गए इकट्ठे,
भाई फीमेल भी आ गई है, आप हमारा मेल भी वाइट, वाइट का पेयर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ इनको पानी में छोड़ते हैं दोनों, या बाहर छोड़े थोड़ी सी देर के लिए, बाहर छोड़ते हैं दोस्ती हो जाए, थोड़े तो घूम फिर लेना। ओह इकट्ठे जा रहे हैं, लेकिन जाना है ना उधर ही है, तो इससे बेहतर है कि फिर दरवाजा ही खोल देते हैं, अंदर ही चले जाएं। डायनासोर ने फिर समझ लिया उनके बच्चे आ गए हैं, इसको भी छोड़ते हैं, और इसने तो वैसे ही पानी कई दिनों से नहीं देखा होगा, तो इसको भी पानी में छोड़ते हैं, पानी चेंज ही कर देते हैं दोस्तों, ताकि पानी साफ हो, ये भी नहा ले, इसके ये जो गंदे गंदे पर हैं ये साफ हो जाए। मजनू लड़ाई कर रहा है उस मेल के साथ, और वो देखिए मेल पानी के अंदर कितना खुश है, अभी पहले पानी पिएगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ये नहाना शुरू कर देगा, फिर इसके ये जो पर है ना ये वाइट हो जाएंगे, वैसे ही हम पानी चेंज कर देंगे तो ये साफ सुथरा हो जाएगा। तो मैं जहाँ पर छोड़ के गया था अभी तक ये वहीं पर बैठा हुआ है। हाँ भाई कोई जान आई है तुम्हारे जिसम में, ऐसे भाग दौड़ तो ठीक से रहा है, सुबह से इसने खाया पिया भी अच्छे से है, अब इसकी डिवॉर्मिंग हुई है, डिवॉर्मिंग के बाद ही थोड़े से लगते हैं इसके जो पेट के अंदर जितने भी कीड़े वगैरह होंगे, वर्म्स वगैरह होंगे, वो सारे मरेंगे, तब ये दोबारा से वापस अपनी जगह पे आएगा। एकदम से इस तरह का पेशेंट जो होता है ना, मतलब इस तरह का जो जानवर होता है वो एकदम से रिकवर नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। मुझे लगा कि इस वाइट वाले मेल को सारे मेल मिल के मारेंगे, लेकिन देखे दूसरी वाली फीमेल भी आ गई और इसके साथ नहाई जा रही है, देखिए कितनी ज़्यादा खुश है, कोई वो पुरानी वाली फीमेल भी आ गई है इस मेल के साथ, और ये दोनों फीमेल भी आ गई हैं इसी के साथ, अब नहाई जा रही हैं और ये मेल खुद को साफ किए जा रहा है। मैंने आपको बोला था ना ये अपने आप को ना बिल्कुल सफ़ेद अच्छे से कर लेगा, नहाओ नहाओ भाई आराम से, वो देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। तो यार आज का व्लॉग यहीं तक था दोस्तों, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।